अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, जहां हम अपने चैनल पर आपको नए नए फ़ोन्स दिखाते रहते हैं, वहीं हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि आपको हम गाइड कर सकें कि आपको कौन सी डिवाइस ऐसी है जो नहीं लेनी चाहिए, जो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जिनमें आपको अंडर पावर्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको 15 से 25 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि करंट टाइम में पाकिस्तानी मार्केट में कंसीडर नहीं करनी चाहिए। और अगर इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला, लाइक मैक्सिमम मिले, शेयर मिले, तो ज़रूर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा जिसमें हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको इस रेंज के अंदर कौन सा बेहतर फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, अपने सबसे पहले फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ोन जो है वो आपको एक ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। और मेरी ये राय है कि ये अगर फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में ना भी लॉन्च किया जाता तो सैमसंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A01। यहाँ आप जो प्राइस है इस फ़ोन की वो आपको 16,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो बेजल्स फ्रंट साइड पर काफ़ी बड़े आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे। एक ड्यूडॉप नॉच डिस्प्ले है, एक 5.7 इंचेस का आपको 720p पिक्सल का एक डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 19:9 की रेशियो में आता है। एक छोटा साइज ज़रूर है। और यहाँ डिज़ाइन की बात की जाए, रियर स्टफ़ की बात की जाए, तो जो 15 से 25 हज़ार रुपये की रेंज के फ़ोन है सभी आपको पॉलीकार्बोनेट के स्टफ में देखने को मिल जाते हैं, जिनकी कोई ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन फ़ोन पर। वहीं रियर पर आपको एक डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। और प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर 1.95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 439 है। 2GB 16GB के साथ ये पाकिस्तानी मार्केट में आता है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अंडर पावर्ड काम करेगा। अब यहाँ पर आप कोई भी गेम नहीं कर सकते, बस आपको नॉर्मल यूजेज के लिए, मतलब आपने सिर्फ कॉल करनी है या व्हाट्सएप के लिए करनी है तो ये फ़ोन ठीक निकल कर आता है। बाकी आप इसमें डे टू डे यूजेज की वो फील नहीं ला पाएंगे जो कि एक स्मूथ फील आता है। वहीं अगर इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो नो डाउट इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 जरूर मिल रहा है, सैमसंग का One UI देखने को मिल जाता है, लेकिन अंडर पावर्ड प्रोसेसर के साथ ये चीज़ें ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं की गई। वहीं अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, रियर पर 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। एक 3000 mAh की बैटरी है, micro USB की कनेक्टिविटी है, कोई भी फास्ट चार्ज आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। तो मुझे ये लगता है कि ये फ़ोन जो है वो इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर ये 10 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में होता तो ज़रूर रेफरेबल था, लेकिन 16 हज़ार रुपये की रेंज को देखा जाए तो बहुत सी अच्छी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं वो 3GB एटलीस्ट के साथ आती हैं, और हमें 32GB या हमें 64GB का रैम और रोम का वेरियंट भी देखने को मिल जाता है। तो अगले फ़ोन की बात कर लेते हैं, तो अगला फ़ोन भी सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A10s। अब इस फ़ोन की प्राइस जो पाकिस्तानी मार्केट में है वो 20,000 रुपये से ऊपर, अब प्राइस वेरी करती रहती है, कभी ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 20,000 से ऊपर ही देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से और ब्रांड जो है इस रेंज के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच एक IPS पैनल मिलता है जो कि 720p पिक्सल्स के साथ आता है। 6.2 इंचज़ का आपको डिस्प्ले मिल रहा है। और यहाँ अगर इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात की जाए, अब रियर पर आपको कुछ खूबसूरत लुक ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा स्टफ़ है जिस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। एक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है, फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा सेटअप आपको रियर में देखने को मिलता है। वहीं अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहां पर आपको हीलियो P22 देखने को मिल रहा है, और पावर VR रोग 8320 का GPU जरूर लगाया गया है, लेकिन एक ही वेरिएंट मिलता है पाकिस्तान की मार्केट में 3GB 32GB के साथ, जो कि 21,000 रुपये की प्राइस को मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। इसी रेंज के अंदर बाकी ब्रांड्स जो हैं वो 4GB 128GB 4GB 64GB हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि गैलेक्सी A10s की जो प्राइस है वो कुछ 16-17 हज़ार होती तो शायद वैल्यू फॉर मनी निकल कर आ सकती थी। वहीं इस फोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, रियर पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और इतना इंप्रूव नहीं बोलूंगा, सैमसंग UI के साथ जो छोटे प्रोसेसर हैं वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते, या पोस्ट प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग इतनी बेटर नहीं होती, तो रेजोल्यूशन यहाँ बस नॉर्मल से ही निकल कर आती है। वहीं इस फोन की बैटरी की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, और बाकी ब्रांड्स हमें 5000 mAh प्रोवाइड कर रहे हैं। micro USB की कनेक्टिविटी है, बैटरी बैकअप नो डाउट 720p पिक्सल के साथ ठीक निकल कर आता है, लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो 3GB 32GB के वेरियंट के साथ कोई भी परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को
नहीं मिलेगी। वहीं अपने अगले फोन की बात कर ली जाए तो अगला फोन निकल कर आता है Redmi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये फोन जो है ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। मैं बात कर रहा हूँ Redmi 8 की। अब इसको 22,000 रुपए की रेंज में फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में रिटेल किया जा रहा है और मुझे ये लगता है कि फिलहाल इस रेंज के अंदर हमें लेटेस्ट डिजाइन भी मिल रहे हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन भी बेटर मिल रही है। वहीं Redmi 8 की अगर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो आपको एक 6.22 इंचेस का 720p पिक्सल्स एक ड्यूड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल रहा है। हाँ यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि एक प्लस पॉइंट बनाती है इस फोन को। लेकिन अगर डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक मिलती है जो कि बहुत जल्दी स्क्रैचेस जो है वो गेन कर लेती है, तो ड्यूरेबिलिटी इस फोन की थोड़ी सी कम होगी मेरे हिसाब से। वहीं अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 439 आपको देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से काफी अंडर पावर्ड और काफी ओवर रेटेड प्रोसेसर है। मैं इस प्रोसेसर को इतना अच्छा नहीं समझूंगा। 4GB 64GB का वेरिएंट है। MIUI 11 के आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। एंड्रॉइड पाए बेस देखने को मिल जाता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको 8 MP का सेंसर मिलता है, रियर पर 13+2 MP का मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी है, टाइप सी की कनेक्टिविटी है, 18W जरूर सपोर्ट करता है बट यहाँ आपको 18W का फास्ट चार्जर जो है वो अलग से लेना पड़ता है, तब इसकी कॉस्ट जो कुछ 23,500 से 24,000 की पहुंच जाती है क्योंकि हमें नॉर्मली 1500 से 2000 रुपए तक 18W का ओरिजिनल चार्जर हमें मार्केट ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि Redmi 8 की जो प्राइस है अगर वो 18 से 20,000 फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में रखी जाए तो बिल्कुल जस्टिफाई करती है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाना है तो हमें बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वाड कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन प्रोसेसर भी जो है वो स्नैपड्रैगन 439 से कुछ बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि Redmi 8 जो है वो 18 से 20,000 को जस्टिफाई करता है, 22,000 रुपए को जस्टिफाई नहीं करता। वही बात कर लेते हैं कुछ अगले फोन की। अब अगला फोन बहुत ज्यादा एक फेमस ब्रांड है जो कि सस्ते पैसों में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो की। अब ओप्पो ने अपनी ग्रिप जो बनाई वो एंट्री लेवल के फोन से बनाई, जैसा कि ओप्पो का A37 था, A71 था जो कि पहले हमें 2-2.5 साल पहले मिलते थे और काफी ग्रिप थी ओप्पो की। लेकिन 2019 और अब 2020 में ओप्पो जो है वो मिड रेंज सेगमेंट या एंट्री लेवल सेगमेंट को बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहा क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बना चुका है और उसको पता है कि मैंने हर मार्केट में कोई 10-10, 20-20 दुकानें बना ली और मेरी प्रोडक्ट बिक सकती है। अगर ओप्पो के मॉडल की बात की जाए तो ये मॉडल है ओप्पो A5S। वैसे ये कंपनी के एंड से बंद हो चुका है लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा जिसको ओवर प्राइस करके बेचा जा रहा है। अब इसकी प्राइस भी जो है मार्केट में फ्लक्चुएट करती रहती है। आपको 3GB 32GB का जो वेरिएंट है वो 21,000 और 20,000 के दरमियान में मिलेगा और 4GB 64GB कुछ 22 से 23,000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाता है। यहाँ डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको 6.22 इंचेस का एक 720p पिक्सल्स एक ड्यूड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं रियर की डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक ही आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी सारे फोन में, बस किसी में आपको ग्लॉसी लुक ज्यादा अच्छी मिलेगी, किसी में आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ड्यूरेबल जरूर है ये फोन लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर अब इस फोन की जो वैल्यू है वो डुअल कैमरा सेटअप की वजह से कुछ 23-24,000 या 22,000 जो है वो जस्टिफाई नहीं करती। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको हीलियो P35 देखने को मिल जाता है। नो डाउट प्रोसेसर अच्छा है, हीलियो P22 से एटलीस्ट अच्छा है। लेकिन अगर प्राइस देखी जाए तो यहाँ अगर 4GB 64GB जो है इस प्रोसेसर के साथ 20,000 रुपए की रेंज में है तो बिल्कुल ठीक निकल कर आता है। 3GB 32GB को 16-17,000 रुपए की रेंज में हो तो काफ़ी जस्टिफाई करता है लेकिन 20,000 से ऊपर ये प्रोसेसर भी अब मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर पावर्ड प्रोसेसर है। आपको यहाँ पर पावर VR ROG 8320 का GPU मिल जाता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर 8 MP का कैमरा सेंसर है, रियर पर 13+2 MP का सेंसर है, 4230mAh की आपको बैटरी मिलती है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी इस फोन में रखी गई है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता और इसी रेंज के अंदर हमें अब हमें जो 20,000 से ऊपर की रेंज है वहाँ हमें 5000mAh की बैटरी का पेयर भी मिलता है। इवन हमें कुछ कैमरास की इंप्रूवमेंट भी मिल रही है और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप के साथ भी अपनी डिवाइसेस को लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ जो ओप्पो A5S है इसकी प्राइस जो है वो 18 से 20,464 और 16,000 के अराउंड 3-32 होती है तो ज़रूर जस्टिफाई करता है। वहीं अपने अगले फोन की बात कर लेते हैं तो वो भी ओप्पो की तरफ से निकल कर आता है, ओप्पो A1K। अब इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर ओप्पो मार्केट में लॉन्च ना भी करता तो कोई फर्क ना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडर पावर्ड किया गया है क्योंकि ओप्पो का जो इससे पहले फ़ोन था वो ज़्यादा बेहतर था, A3S जो था वो इस रेंज के अंदर काफ़ी बेहतर था। लेकिन ओप्पो A1K को 18,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 6.1 इंचेस का आपको एक 720p पिक्सल्स एक ड्यूड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, रियर आपको पॉलीकार्बोनेट का मैट फिनिशिंग स्टफ मिलता है, सिंगल कैमरा आपको रियर पर देखने को मिल जाता है, हीलियो P22 के साथ आता है, पावर VR ROG 8320 का GPU है, 2GB 32GB का आपको वेरिएंट मिलता है,
8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 3 की जरूर प्रोटेक्शन आपको इस फोन में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई मिल रहा है और कलर ओएस पुराने वाला मिलता है, और ओप्पो के फोन में आपको अपडेट भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो फोन है वो कुछ अरसे बाद स्लो हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको माइक्रो यूएसबी की कनेक्टिविटी, 10 वॉट चार्जिंग और आपको 4230 एमएएच टाइप की यहाँ पर 4000 के राउंड अबाउट आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इस फोन की जो प्राइस है वो 12 से 13 हज़ार होनी चाहिए, जो कि स्पेसिफिकेशन रखी गई है, क्योंकि सिंगल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन स्टिल ओप्पो जो है इसको रिटेल कर रहा है 18 हज़ार की प्राइस में, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। वहीं अपने अगले फोन की बात कर लें तो वीवो की तरफ से Y11। अब ये फ़ोन भी जब लॉन्च हुआ था तब मैंने इसका जिक्र किया था कि 22-23 हज़ार की प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। अब आपको ऑफलाइन मार्केट में 21 हज़ार के राउंड अबाउट मिल जाता है। यहाँ भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच, IPS LCD, एक आपको 720p का पिक्सल मिलता है, 6.35 इंचेस का आपको यहाँ पर स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 439 के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर 3GB और 32GB का वेरियंट आपको मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। रियर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फोन में देखने को मिलता है। अब यहाँ आपको फ़ोन थोड़ा थिक मिलेगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिल रही है, माइक्रो यूएसबी की कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्ज नहीं है। वहीं आपको फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो इस फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का मिलता है, रियर पर 13+2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। अब इस फोन को ना रेफर करने की वजह यह है कि 3 इंच के अंदर हमें 4GB 128GB 4GB 64GB क्वाड कैमरा सेट है, 48 मेगापिक्सल पंच होल कैमराज मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से Y11 से काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। और Y11 3GB 32GB के साथ अगर 17 से 18 हज़ार रुपए की रेंज में आता है तो ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। इससे ऊपर मेरे हिसाब से बाकी ब्रांड्स के फ़ोन जो हैं वो कुछ बेटर निकल कर आते हैं। वहीं अपने अगले फ़ोन की बात कर ली जाए तो अगला फ़ोन निकल कर आता है वीवो की ही तरफ से, वीवो Y91C। अब ये इसको आप जेरोक्स कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर कंपनीज हैं वीवो और ओप्पो। अब Y91C में भी आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, वही A1 केवल आपको 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, हीलियो P22 मिल जाता है, 2GB 32GB का वेरियंट मिलता है, फ्रंट आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, रियर पर सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, ग्लास का फ्रंट है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाए मिल रहा है फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि पाए काफ़ी पुराना हो गया, अब एंड्रॉयड 10 का टाइम आ चुका है, और यहाँ भी आपको कोई एंड्रॉयड 10 की अपडेट नहीं मिलेगी। यहाँ भी आपको 4230 एमएएच की बैटरी मिलती है, 10 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। अब इसकी प्राइस जो है पाकिस्तानी मार्केट में आपको कुछ 15 से 16 हज़ार के राउंड अबाउट मिलती है ऑफलाइन मार्केट में, और जिस स्पेसिफिकेशन में ये फ़ोन आता है मेरे हिसाब से 12 से 13 हज़ार की प्राइस को जस्टिफाई करता है, इससे ऊपर उनकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इस वजह से मैं आपको रेफर नहीं करना चाहूँगा कि इस फ़ोन को आप कंसीडर करें। वेल, अपने अगले फोन की बात कर लें तो अगला फोन निकल कर आता है ऐसे ब्रांड की तरफ से जो कि एंट्री लेवल को काफी फोकस किया हुआ है पाकिस्तान मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स की। अब इन्फिनिक्स का हॉट 8, अब ये वो मॉडल है जो कि 3GB 32GB का वेरिएंट है, जिसमें आपको हीलियो A22 मिलता है, एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं है, बिल्कुल एक अंडर पावर्ड प्रोसेसर निकल कर आता है, लेकिन इस फोन में आपको डिस्प्ले जरूर बड़ा देखने को मिलता है। एक आपको 6.6 इंच का IPS पैनल 720p पिक्सल के साथ मिल जाता है, जो कि 20:9 के रेशो में आता है, और वहीं आपको रियर का डिजाइन ट्रिपल कैमरा सेटअप का फ्रेम मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स ने ये थोड़ा सा गिमिक किया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर रियर पर सिर्फ डुअल कैमरा मिलता है। QVGA सेंसर को मैं सेंसर नहीं मानता, कोई भी हेल्प नहीं करता वीडियोस या फोटोग्राफी में। वहीं अगर बात कर लीजिए रियर के डिजाइन की तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। नो डाउट इस फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है, और यहाँ बैटरी भी आपको 5000 mAh की मिलती है विद 10W चार्जर, फास्ट चार्जिंग यहाँ भी नहीं रखेगी। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है, रियर पर आपको 13+2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कुछ आपको बेहतर मिलेंगी पिक्चर्स, लेकिन इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स का जो एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि चीता ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था, जिसमें आपको ISPs कम मिलती थी और जिसमें आपको पोस्ट प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी कम मिलती थी, और वहीं आपको इनके एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, तो मैं ये आपको फ़ोन जो है वो रेफर करने वाला नहीं हूँ। वेल, अपने फाइनल फोन की बात कर लें तो फाइनल फोन हुआवे की तरफ से निकल कर आता है, और हुआवे जो है वो एंट्री लेवल में बस क्या करता है कि पुराने प्रोसेसर को ही थोड़ा सा अपडेट कर देता है, मतलब पुराने फोन्स को ही थोड़ा सा अपडेट कर देता है, किसी में आपको थोड़ा सा नाका इधर उधर देखने को मिलेगा और पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर देता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ओवर प्राइसेस फोन लॉन्च कर रहा है। वहीं एक बात कर लें आज के मॉडल की तो ये है Y6S। अब इसको 21 हज़ार के राउंड अबाउट आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल रहा होता है और ऑनलाइन मार्केट में भी मिल रहा होता है, और मुझे पता है कि हुआवे के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि ये समझ
समझते हैं कि हुआवे की डिवाइसेज जो है वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इनकी रीसेल अब आपको मार्केट में अच्छी नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ गूगल, काफ़ी ज़्यादा इशूज चल रहे हैं। हुआवे की डिवाइसेज की ज़रा रीसेल पाकिस्तान की मार्केट में कम मिल रही है। वाई 6X की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक 6.1 इंचेस का आपको 720p पिक्सल्स डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच है, IPS LCD है, आपको हीलियो P35 प्रोसेसर मिलता है। नो डाउट प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 3GB और 64GB का वेरिएंट है जो कि 21,000 रुपये की रेंज में आता है, और 3GB रैम के साथ मुझे नहीं लगता कि अब 20,000 से ऊपर कोई फ़ोन होना चाहिए। वहीं अगर इस फोन की डिज़ाइन की बात की जाए तो रियर पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिल रहा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर मिलेगा इस फोन के अंदर। फ्रंट पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। और वहीं इस फोन की बैटरी की बात की जाए तो 3020mAh की बैटरी है, 10W की चार्जर है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता। अब ये फोन तो कभी भी मैं आपको रेफर करने वाला नहीं हूं, उसकी वजह ये किसी रेंज के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप, इवन हमें 5000mAh की बैटरी के पेयर्स देखने को मिल रहे। तो ये Y6S जो है वो कुछ 13 से 14 हज़ार की प्राइस को जस्टिफाई जरूर करता है, लेकिन इस ऊपर प्राइस में सिंगल कैमरा सेटअप और विद EMUI मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रेफर कर पाऊंगा। तो यहाँ जो Y6S है मेरे हिसाब से कुछ 14-15 हज़ार की जो डिवाइस है वो होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेगी कि आपको कौन सी डिवाइस जो है वो नहीं लेनी। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम आपको रेफर कर देंगे कि 15 से 25 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको कौन सी डिवाइस कंसिडर करनी चाहिए जो कि आपके हिसाब से, आपके पैसों के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी निकल कर आती है। लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और अगर इस तरह की मजीद वीडियोज़ लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई न्यूज के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं होली अब्बास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।